खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं आज 7 लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं R7 लाइव न्यूज और R7 लाइव न्यूज की टीम लगातार उत्तर प्रदेश में सर्वे कर रही है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। और हम इस समय खड़े हैं त्रिपुला चौराहे के सोनी होटल पर, जहां हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। क्या लगता है भैया, इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा? इस बार योगी आदित्यनाथ बनेंगे। क्या कारण है? कारण है, जनता बता ही सकती है क्या काम दिखाया उसने। क्या काम किया है उसने? बहुत काम किया। जरा 5 बड़े काम बताए। 5 बड़े काम बताए। अरे 5 बड़े काम यही है कि कम से कम उसके रहते हुए पब्लिक को कोई डर नहीं है, जगह जगह पुलिस लगी हुई है, कोई मतलब फोर मैनी वाला काम है नहीं। फोर दूसरा काम, दूसरा काम है अभी किसान लोग हल्ला बोल मचाए हुए थे। किसान तो अभी भी हल्ला बोल कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं? नहीं, वो हो चुकी है, उनकी मांगे पूरी हो चुकी है। नहीं, प्रदर्शन फिर किस बात का कर रहे हैं आप? प्रदर्शन ये तो पब्लिक है, अलग अलग पार्टी है, अलग अलग आदमी बोलते हैं। चलिए, इनका कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया, इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा? खड़े हो जाए। अखिलेश यादव। क्या कारण है? कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है 2017 से, ना इन्होंने कहीं विकास किया है। चोरी चमारी लूट डकैती चरम सीमा पर है, हत्याएं इनके राज में बहुत हो रही हैं, आप देख ही रहे होंगे, मीडिया के माध्यम से पता चलता है। अच्छा, सबसे बड़ा कारण है क्या, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो क्या इस तरह का क्राइम नहीं होता था? नहीं, क्राइम था, क्राइम तो सारी सरकारों में रहते हैं, लेकिन जो ग्राफ था वो इतना नहीं था जितना इस सरकार में ग्राफ बढ़ गया है क्राइम का। पुलिस प्रशासन बिल्कुल नतमस्तक है, कोई काम नहीं करना चाहता है, लैंड ऑर्डर बिल्कुल खराब है। अखिलेश यादव सरकार में ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप लैंड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर यह चौराहा, मेन चौराहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रशासन लगातार एक्टिव नजर आ रहा है, सतर्क मोड़ पर है, क्योंकि यहाँ कई गाड़ियाँ आला गाड़ियों की खड़ी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ इसी प्रशासन से और योगी आदित्यनाथ जी जो सत्ता में है 2017 से, जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, हत्या हो जाती है, लूट हो जाती है, डकैती हो जाती है, तब ये प्रशासन कहाँ रहता है? हमेशा प्रशासन सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमियों का उत्पीड़न करता है। आज तक नहीं देखा कि कोई सही आदमी पकड़ा होगा। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई पूरे प्रदेश में, देख लीजिए आप। चलिए, इनका कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनेंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। भैया, इस बार उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं? बिल्कुल नेता हैं, समाजवादी यूजन सभा के नगर अध्यक्ष रायबली से। अच्छा, ये बताइए, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने कौन सा ऐसे बड़े काम करा है जो इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे? अखिलेश यादव ने 5 साल में जितना विकास किया है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, शायद किसी अन्य राज्य में न हुआ है न हो सकता है। अच्छा, सरकार कोई भी रही हो, विपक्ष पर आरोप लगता है, आप विपक्ष में हैं इस समय, सरकार आपकी विपक्ष में है, तो आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के द्वारा विकास नहीं किया गया, जबकि विकास किया गया है वो जनता बता रही है। पत्रकार महोदय, बड़ी विनम्रता के साथ हम आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहते हैं, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जो है विजय रथ यात्रा निकलता है, लखनऊ से लेके आजमगढ़ की धरती तक पूर्वांचल एक्सप्रेस पर जाता है, तो लाखों करोड़ों लोग जो है सुल्तानपुर, आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी, रात 4:30 बजे रात को लखनऊ प्रदेश पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं और लाखों की भीड़ रहती है, 12:30 बजे रात को रहती है। आपने चैनल और मीडिया के माध्यम से आपको खुद जानकारी देखा होगा। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री SSB श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है पूर्वांचल पर अभी कुछ समय पहले हमारे जो है पूर्व मुख्यमंत्री के कराए गए कार्यों का फीता काटा है उन्होंने।
हमारे अखिलेश यादव जी के कार्य किए गए कार्यों को पूरे प्रदेश में जगह जगह फीता काट रहे हैं वो, तो क्या हम जान सकते हैं वो जनता कहाँ से आई है? ₹500 पे लोगों को जो है ₹500 देकर लोगों की भीड़ बुलाई गई थी, और उस दिन जो है बस मंत्रालय जो है बसों को जो है किराए पर जाने नहीं दिया, गवर्नमेंट बस उस दिन चलने नहीं दी गई। तो क्या ये जो कोरोना काल अभी कुछ समय पहले इस देश में वैश्विक महामारी का समय था, लोग बड़ी जो है अपनी परेशानियों से जूझ रहे थे, विषम परिस्थितियों से परेशानियों में जूझ रहे थे, सरकार के पास उतनी समय जो है किसानों को मजदूरों को बिहार से दिल्ली लाने में या दिल्ली से बिहार ले जाने में या अन्य राज्यों में मजदूरों को भेजने के लिए उनके पास बस नहीं था, उनके पास जो है पैसे नहीं थे, उनके पास जो है सरकार की आय खत्म हो गई थी। जब कोरोना काल की इतनी वैश्विक महामारी में उनके पास मजदूरों को घर भेजने के लिए बस नहीं थी, पैसा नहीं था, तो सुल्तानपुर एक्सप्रेसवे पे जब उद्घाटन हो रहा था तो ये बस कहाँ से आई? ₹500 जनता के पास देने के लिए कहाँ से आए? सब हमारी जनता जी, नेता जी, सीधा सवाल है मेरा आपसे कि जिसकी सरकार, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो क्या ये एक्सप्रेसवे चालू हुआ था? जब माननीय जो है पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में उस कार्य का उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन हुआ था, चालू तो नहीं, चालू तो नहीं हुआ था ना? कार्य प्रारंभ किया गया था। अब कोई आप इतनी बड़ी 550 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, 3 दिन में तो नहीं बन के तैयार हो जाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने, देश के पहले मुख्यमंत्री हैं, देश के सबसे युवा नेता श्री अखिलेश यादव हैं, जो 23 महीने के अंदर आगरा एक्सप्रेसवे बना के तैयार कर दिया, आज तक किसी नेता ने नहीं कर पाया उसको। जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेस आपका बना, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में बनता तो उसका उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करते, लेकिन जब इस सरकार में पूरा हुआ तो उसका उद्घाटन तो बनी बात है ना कि वही। देखिए, विधानसभा चुनाव लगभग 3 महीने के आसपास बचे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम दिखावे का नहीं है, इसलिए पूर्व में किए गए कार्यों का उद्घाटन कर रहे हैं, फीता काट रहे हैं, और जनपद का नाम बदलने का काम कर रहे हैं, स्कूलों का नाम बदलने का काम कर रहे हैं, गोरा बाजार में जो है गोरखपुर में इन्होंने बाजारों का और मोहल्लों का नाम बदलने का काम किया, बाकी इनके पास कोई काम नहीं है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ माननीय महंत योगीनाथ जी को कि जो है 2022 में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार आ रही है, आप गोरखपुर मठ जाने की तैयारी करिए। चलिए, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं तो आपको लगेगा कि यहाँ आपकी सरकार बन रही, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इस बार उत्तर प्रदेश का क्या माहौल है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कि इस बार जिस तरह से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति क्या है, लगातार लोग कह रहे हैं, कोई किसी का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे, तो किसी का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा। आइए बात करते हैं भैया, इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सर, इस बार मुख्यमंत्री हम अखिलेश यादव को ही बनाएंगे, क्योंकि वो युवा नेता हैं और प्लस वो युवाओं की फीलिंग को समझ सकते हैं बेटर देन अनदर सीएम, तो इस वजह से हम लोग। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि क्या इस सरकार में विकास नहीं हुआ है? नहीं, हमें तो कोई विकास नहीं समझ में आता कि यहाँ अगर हम लोग एज अ स्टूडेंट के लिए हम लोग के लिए कोई फैसिलिटी दिया हो इन्होंने, ऐसा तो आज तक हमें कुछ नहीं समझ में आया। तो क्या अखिलेश यादव के दौर में जब था तो क्या स्टूडेंटों के लिए फैसिलिटी? जी हाँ, अखिलेश यादव के राज में हमें जैसे स्कॉलरशिप वगैरह की भी मुहैया कराए जाते थे, अभी ये सरकार जब से बनी है लगभग 5 साल पूरे होने का है, आज तक हम लोग को स्कॉलरशिप वगैरह नहीं आई, तो इस वजह से हम लोग ये सही सरकार का बहिष्कार करते हैं। चलिए, इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश का क्या माहौल होगा, क्या अखिलेश यादव की साइकिल चलेगी या भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। आइए बात करते हैं भैया, इस बार कौन मुख्यमंत्री बनेगा? भैया, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, तो इस यूपी के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। नहीं, फिलहाल जिस तरह तक पॉलिटिक्स सभी करते हैं, तो क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश का क्या माहौल है, कौन मुख्यमंत्री? इस बार उत्तर प्रदेश का माहौल ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का काम उतना अच्छे से हो नहीं पाया है, तो शायद तक अखिलेश यादव का चांस इस बार लग रहा है। अच्छा, छत्तीसगढ़ का क्या माहौल है वहाँ पर? छत्तीसगढ़ का माहौल, वहाँ कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, लास्ट 3 बार से बीजेपी थी, अभी कांग्रेस आई है, वहाँ काफ़ी अच्छा काम चल रहा है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का काम है, कांग्रेस अच्छा काम चल रहा है। चलिए, इनका कहना है कि ये यूपी के नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव रहेंगे। यहाँ पर कुछ लोग चाय की चुस्कियों पर भी चर्चा कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इस बार प्रदेश का क्या माहौल होगा, क्योंकि चाय की चुस्कियों के दौरान ही राजनीति तय होती है कि किसे वोट देना है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो आइए बात करते हैं भैया, इस बार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? योगी बाबा बनेंगे। क्या कारण है?
अरे अच्छे कार्य हो रहे हैं और क्या। अच्छा, पांच बड़े काम बता दें। अबे भ्रष्टाचार में सुधार है, प्लस गुंडा राज कम है, और क्या बताएं। तो हुए तीन और बता दें। राम निर्माण, मंदिर निर्माण, वो तो कोर्ट का फैसला है, और हिंदुत्व को प्रमुखता देना, और इसी तरह के हैं। महंगाई को लेकर, महंगाई तो सही है, महंगाई तो कुछ कंट्रोल में है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। कुछ कुदरत की भी बात रहती है, कभी आपदा आ गई, कभी कोरोना काल हो गया, तो अब इसको तो रोका नहीं जा सकता। बाकी और जानकारी चाहिए तो बताइए। चलिए, इनका कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनेंगे। यहाँ पर हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। भैया, इस बार यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? योगी जी को बनना चाहिए, हालांकि बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, पोजीशन बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन योगी जी के चांसेस बेटर हैं। जो लोग हैं, लोगों का कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में महंगाई काफ़ी है, जिसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि माहौल कुछ और ही है। देखिए, उसके कई कारण हैं, और उन कारणों में सबसे मेन कारण जो है आपका कोरोना का है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से काफ़ी वो हुआ है। कुल मिला के महंगाई तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन महंगाई धीरे धीरे कम होगी, कम होना शुरू भी हुई है, ऐसा नहीं है, शुरू भी हुई है, कम भी हो रही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बनना चाहिए योगी। वैसे कोई बहुत ज़्यादा क्लियर, मतलब स्पष्ट नहीं है अभी। किसमें फाइट हो सकती है? फाइट आई थिंक होनी चाहिए आपके सपा और बीजेपी में। चलिए, इनका कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश का माहौल जो है कहीं ना कहीं वो भाजपा मय हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इस बार उत्तर प्रदेश का क्या माहौल है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी एक्टिव नज़र आ रही हैं, तो क्या इस बार उत्तर प्रदेश में आखिर कोई करिश्मा करेगी कांग्रेस, या कि उसी तरह कांग्रेस जो है पिछली सीटों की तरह इस बार भी रह जाएगी। आइए, यहाँ पर हम उन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या माहौल है। भैया, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मैं यहाँ का नहीं, व्यवहार का हूँ। कहाँ के हैं? मैं इंदौर का हूँ, MP। बाकी बनेंगे तो अपने योगी ही। योगी जी बनेंगे, क्या कारण है? अच्छा काम किए ना, बहुत अच्छा काम किए, इसलिए। यहाँ क्या करते हैं आप? मैं तो यहाँ शादी में आऊँ। शादी में आए हैं तो बाकी देख के अच्छा लगा। आप इंदौर से हैं, और यहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में योगी जी पढ़ते हैं ना हम पेपरों में? बिल्कुल, पेपर में भी पढ़ते हैं, न्यूज़ पे भी पढ़ते हैं, इंस्टा वगैरह, फेसबुक वगैरह सब पे देखते हैं। यहाँ का डेवलपमेंट अच्छा है, तो मैं भी योगी जी आएंगे। चलिए, इनका कहना है कि यूपी में इस बार क्लेश योगी आदित्यनाथ आएंगे। तो यहाँ कुछ लोग और भी मौजूद हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी, उनसे भी बात करते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश का क्या माहौल होगा। दादा, इस बार उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? अखिलेश यादव। क्या कारण है इसमें? ये कारण ये है कि जो आप जितनी बीजेपी की सरकार है, हर आदमी वहाँ परेशान है, जो भी काम है उन्हीं का करा हुआ है, चाहे अस्पताल का हो, चाहे बसें हों, चाहे जो है वही का है, तो एक लिए हर आदमी ये कोशिश कर रहा है कि मुलायम सिंह अखिलेश यादव आवे। अच्छा, विकास तो समाजवादी पार्टी ने किया, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया है। कोई तो हमें समझ नहीं आता कि नहीं किया, कि अगर विकास नहीं किया तो लोग कह क्यों रहे हैं? क्योंकि देखिए, शौचालय की योजना, आवास योजना, बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री के द्वारा की गई हैं। नहीं, योजनाएं चले हुआ हुई है, लेकिन भी जो है आप देखो तो जो भी करा हुआ, चाहे रायबरेली के अंदर जो भी है, अखिलेश यादव या मुलायम सिंह, उनका इंदिरा गांधी करा हुआ है, और तो कोई नहीं ना। विकास नहीं किया, सिर्फ बकवास किया है। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या भैया इस बार यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश यादव। क्या किया है, कारण है? बताने, अगर हम बताने बैठ जाएंगे तो हो सकता है कि आपके पास टाइम कम पड़ जाए। उन्होंने इतने कार्य कर दिए हैं। थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दें, पांच बड़े काम अखिलेश। शॉर्टकट जैसे दिल्ली से वो लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस, वो उन्होंने बनाया है, और बहुत से ऐसे कार बड़े बड़े किए, जिससे कार जो अधूरे रह गए तो उनके बनाए हुए, तो काम उन्होंने किया, फीता कोई और काट रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ, सिर्फ बकवास करते हैं, सिर्फ बकवास, और उसके सिवा कुछ नहीं करते। चलिए, ये काफ़ी भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ रहे थे। फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर हमने जब सर्वे किया, लोगों की राय जानी,
तो इस बार उत्तर प्रदेश में मिला जुला असर लोगों का देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ जो इस होटल के संचालक हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर इस बार यूपी का माहौल क्या होगा, क्योंकि ये हम उस समय यहाँ पर खड़े हैं जहाँ की चाय पूरे जिले में मशहूर है। सोनी के नाम से सोनी होटल, सोनी टी स्टॉल, सोनी रेस्टोरेंट, इनकी चाय पीने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दादा, इस बार यूपी का क्या माहौल है? माहौल अब की सही है, 3-4 महीने के बाद सब मालूम हो जाएगा किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। कौन मुख्यमंत्री बनेगा देखो कौन बनता है, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? नहीं तो वैसे चर्चा तो दोनों की हो रही है, अखिलेश यादव की बता रहे हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे जी? तो आपका सपोर्ट अखिलेश के साथ? हाँ। चलिए, इनका कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में आखिर समाजवादी पार्टी की लहर है, या ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का लोगों का तरफ रुझान ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में जिस तरह से देखा जा रहा है, हमने जब कई लोगों से कई जगह पर लोगों से बातचीत की तो उनका कहना है कि इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की साइकिल चलेगी, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि आखिर यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं या अखिलेश यादव की साइकिल चलती है, या प्रियंका गांधी जिस तरह से एक्टिव नजर आ रही हैं तो क्या कांग्रेस कोई करिश्मा करेगी। कैमरा पर्सन साबिर खान के साथ सिराज अहमद, R7 लाइव न्यूज़, रायबरेली।